2021 में YouTube का एल्गोरिदम चेंज होने वाला है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है हमारी चैनल raisyt में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाइज जो YouTube का एल्गोरिदम जैसे काम करता था 2020 में, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन हम जैसे करते थे, जैसे व्यूज आते थे, वॉच टाइम वगैरह, तो गाइज 2021 में क्या YouTube का एल्गोरिदम चेंज होने वाला है। और गाइज इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि गाइज आप लोग को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे गाइज 2021 में आप अपनी YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी तेजी से ग्रो कर सकते हो। और गाइज साथ में ये भी समझाने वाला हूँ कि YouTube का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना। चलिए गाइज आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं YouTube के एल्गोरिदम के बारे में कि YouTube का एल्गोरिदम 2021 में चेंज होगा या नहीं होगा। तो गाइज देखो, आप लोगों को पहले तो मैं बता देता हूँ कि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो कीवर्ड पे काम करता है। कीवर्ड जैसे कि आप अपनी वीडियो में जो कीवर्ड डाल रहे हो वो कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा है। और YouTube का जो एल्गोरिदम है उसका जो सिस्टम, जो लर्निंग मशीन है, उसको इस तरीके से सेट किया है कि गाइज जो कीवर्ड है वो आपकी वीडियो का कंटेंट नहीं देखता है, आपकी वीडियो का जो कीवर्ड है वो कीवर्ड से आपकी वीडियो आगे जाती है और YouTube एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पे काम करता है। और गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि YouTube का एल्गोरिदम बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोज बना रहे हैं कि YouTube का नया अपडेट ऐसे करके, मतलब कि 2021 में मतलब चेंज होने वाला है, ये होने वाला है, फलाना ढिकाना, तो ऐसे वीडियोस पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो एक बार सेट हो जाता है तो भाई उसको चेंज करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो गाइज YouTube का एल्गोरिदम और जो Google का एल्गोरिदम है दोनों सेम टू सेम है। Google का एल्गोरिदम भी जैसे कीवर्ड के ऊपर काम करता है वैसे ही YouTube का एल्गोरिदम भी कीवर्ड के ऊपर काम करता है। तो गाइज अब बात करते हैं कि 2021 में हम अपने YouTube चैनल को तेजी से ग्रो कैसे कर सकते हैं। भाई 2020 चला गया भाई, 2020 में हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे 500 सब्सक्राइबर तक नहीं हुए, हमारे व्यूज भी नहीं आते, तो भाई 2021 में हमारा क्या होगा? वापस से भाई मतलब वही रोना धोना, मतलब क्या करेंगे भाई, कुछ तो बता दे। तो गाइज इस वीडियो को स्किप मत करना, आगे जो बताने वाला हूँ ना भाई सच बता रहा हूँ, आप कमेंट इतनी कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बोलोगे भाई क्या बता दिया यार तूने, क्या बता क्या दिया तूने। तो गाइज चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना। तो गाइज सबसे पहले तो आप लोगों को मौका मिल रहा है जीरो से स्टार्टिंग करने का। गाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू ये क्या बोल रहा है, जीरो से स्टार्टिंग मतलब कैसे? तो गाइज देखो यहाँ पे बता देता हूँ कि नया साल आने वाला है और आपको 2021 में मतलब कि 1 जनवरी आपको चैनल क्रिएट करना है। हाँ गाइज देखो यहाँ पे आपको 12 मंथ मिलने वाले, 365 दिन मिलने वाले, जो कि गाइज आप 2020 में गधे की तरह वीडियो डाल 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 गधे की तरह काम करते रहे और आपको सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन गाइज 2021 में 1 जनवरी से लेके एकदम 31 दिसंबर तक, गाइज 365 दिन तक मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप 1 जनवरी को नया चैनल बनाते हो नए मोटिवेशन, नए जज्बा और जुनून के साथ अगर 1 जनवरी से काम करते हो तो मेरे भाई 2020 में तो मतलब कि 2020 में तो आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 2021 में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी और जो आप चाहते हो मनी फेम सारा कुछ आपको जरूर मिलेगा। तो गाइज आप लोग को क्या करना है, एक नया यूट्यूब चैनल 1 जनवरी को क्रिएट करना है, जिससे क्या होगा कि आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में जो चैनल की डेट होगी वो होगी 1 जनवरी 2021। तो गाइज अब आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आपको चैनल क्रिएट करना है 1 तारीख को, 1 जनवरी को, लेकिन अभी आपके पास बचे हुए 5 दिन, मतलब 5 दिन बचे हुए, तो इन 5 दिनों में आपको क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोगों को YouTube के एल्गोरिदम को समझ लेना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो हमको पता है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, मेरे भाई ऐसे नहीं समझना है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। जैसे कि मान लो कि आपको नया चैनल ग्रो करना है ना, तो टेक्निकल गुरुजी है या फिर कोई भी टेक्निकल योगी जैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, मतलब आपका टॉपिक कोई भी हो, यूट्यूब टिप्स देते हो, टेक, व्हाट्सअप वगैरह, जो भी आपका कैटेगरी हो, ऐसे जो यूट्यूबर है उनको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ कौन सी है, उसके
मतलब कि ऐसे 4 से 5 यूट्यूबर्स को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद उनके जो मोस्ट रिसेंट मतलब कि जो मोस्ट व्यू ज़्यादा वायरल हुई हो, ज़्यादा व्यूज़ लाई हो, ऐसे वीडियोस के टाइटल को वहाँ से उसके टाइटल को कॉपी करना है और आपको 10 वीडियो सिर्फ नए चैनल पे 10 वीडियो बनानी है और वो भी ऐसी कि जो लोगों को चाहिए, लोग देखना चाहते हैं। तो गाइस जिससे क्या होगा, आप लोगों को टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी बड़े क्रिएटर का टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन आपको लेना है और सिर्फ 10 वीडियो बनानी है। गाइस मैं गारंटी देता हूँ 1 जनवरी और 1 जनवरी एंड होते होते गाइस आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कैसे हो सकता है ये, तो गाइस देखो यहाँ पे बताता हूँ कि YouTube का अगर जो पुराना चैनल होता है तो YouTube उसको फ्रीज कर देता है, उसके इंप्रेशन डाउन कर देता है। लेकिन गाइज अगर आप नया चैनल बनाते हो, नया चैनल क्रिएट करते हो, तो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो वीडियो के इंप्रेशन है वो बहुत ही हाई हो जाते हैं, बहुत ही मतलब कि YouTube आपकी वीडियो को हर जगह फैला देता है। अगर आपकी वीडियो का टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन और थंबनेल एकदम क्लिकबेट के साथ साथ कैची है, तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ आपका वीडियो वायरल जरूर होगा और सामने वाले बंदे का जिसका आपने टाइटल अपने टाइटल में लिखा है उसके जितने व्यूज है उससे भी ज्यादा आपके व्यूज 2021 में आएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको एक दूसरा काम ये करना है कि मतलब कि वो बंदे ने 2020 या 2019-18 जो भी ट्रिक लिखा हो, आपको यहाँ पे 2021 थंबनेल पे और टाइटल में जरूर लिखना है कि 2021 न्यू ट्रिक, अगर आप कोई तरीका बता रहे हो, कोई ट्रिक बता रहे हो, तो गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई आपका चैनल मतलब कि ग्रो हो जाएगा। और भाई 2021-2020 तो भाई किसी का भी अच्छा नहीं था, कोरोना और मतलब बहुत कुछ चैनल डाउन, यूट्यूब वॉच टिकटॉक बहुत कुछ चला, लेकिन 2021 आपका बेस्ट जाने वाला। और गाइज यहाँ पे आप लोगों को 2021 में अपनी YouTube चैनल में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब कि गधे की तरह वीडियोस नहीं डालनी है, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग लगा के काम करना है, ऐसे टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। और गाइज ऐसे वीडियोस पे मतलब ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाओगे जो ऑलरेडी यूट्यूब में बने हुए हो, लेकिन उसकी ट्रिक जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, जो सामने वाले बंदे ने बताई है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप किसी का मतलब कंटेंट जो है कॉपी मत करो, लेकिन उसके टाइटल, उसका जो टॉपिक है उसके टॉपिक पे बनाओ, क्योंकि गाइज आप वीडियो में डिफरेंट बता सकते हो लेकिन आपको टाइटल फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी वीडियो का टाइटल आपको मिल जाएगा और लास्ट में 2021 लिख देना है। गाइज यहाँ पे जो बता रहा हूँ आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है, गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप 2021 में एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी जो होता है ना, मतलब फुल मोटिवेशन के साथ अगर 1 जनवरी से आप काम करते हो, तो गाइज आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। जो 2020 में थोड़ा सा भी ग्रो नहीं हो पाया वो 2021 में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। सो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मन करे तो भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।